तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस हम जा रहे हैं आज सिलीसेट जो अलवर के अंदर पड़ता है। तो गाइस हम जा रहे हैं आज सिलीसेट, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो जाकर हम आपको सिलीसेट के कुछ नज़ारे दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फाइनली यार दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सिलीसेट, जो सिलीसेट में आप देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है झील में। तो गाइस आप महल देख सकते हो, कितना सुंदर महल है। तो फाइनली यार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महल के ऊपर ले। इससे पे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है महल के ऊपर ले। इससे पे तो गाइस इधर काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट घूमने आए इधर बोटों की करने के लिए सैर। तो आप भी कभी आओ तो इधर ज़रूर आना। तो दोस्तों हमने कुछ ले लिया अब खाने के लिए, और हम खाना खाकर जाएंगे बाहर घूमने के लिए बोट पे। तो गाइस तो यार गाइस हम आ चुके हैं खाना खाकर बाहर। हमें मिला एक भैया, जो हम उनकी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो आपको कभी फ़ोटो शूट करवानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम फ़ोटो शूट भी करने जाते हैं। तो यार गाइस कभी आओ तो इधर फ़ोटो शूट करने के लिए बेस्ट जगह है ये महल, जो आप देख ही सकते हो पीछे कैसे दिख रहा है। तो गाइस अगर किसी भाई को फ़ोटो शूट करवानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम पर डे 3000 रुपये लेते हैं और आपकी फ़ोटो शूट करके देंगे और बढ़िया व्यू देंगे। और अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कृष्णा स्टूडियो बैराडा के नाम से। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और अगर आप चाहते हो, अगर किसी भाई को प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग करवानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पर प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग करते हैं। अगर आपको किसी भाई को करवानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है इस झील का। जो झील है बहुत लगभग इसकी गहराई 32 से 35 फुट की लगभग माना जाता है, और इसके बीच में तो ज़्यादा गहराई है जो हमें कंफर्म मालूम नहीं है। और दोस्तों हम जाएंगे अब बोट में बैठने के लिए, तो गाइस आप बने दीजिए। तो हम जा रहे हैं अब नीचे। तो यार गाइस मनोज भी आगे गए और हम जा रहे हैं नीचे अब। तो यार दोस्तों आप देख सकते हैं बोट चल ही रही है इधर, हम भी बोट में बैठने का मूड बन चुका है, तो हम बोट में बैठेंगे अब। तो ये दोनों भाई बतला रहे हैं भाई कैसे चलना है बोट में। नरू भैया टिकट लेने गए, तो हम नरू भैया के साथ जाएंगे। तो गाइस अब पाँचों ने टिकट ले लिया है, तो हमारी बोट कंप्लीट हो चुकी है। तो इधर का टिकट होगा दोस्तों, आप अगर आप आना चाहते हो तो 1200 रुपये एक बोट के, अगर आप 8 से 10 बंदे बैठ के उसमें बोट में मज़े ले सकते हो। किसी भाई को आना हो तो आप आ सकते हो इधर, और आप देख सकते हो आगे चल के कैसा मज़ा आता है यार दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ फैमिली अपनी जैकेट सेपरेटी, क्योंकि हम बोट में बैठने जा रहे हैं। तो आप अब देखेंगे कैसा अच्छा लगता है आपको बैठना, कभी आओ तो यार आप देखते कितना मज़ा आता है बोट में। तो फाइनली यार दोस्तों हम बोट में बैठ चुके हैं और हमारी बोट हो चुकी है रवाना। तो यार गाइस हम आ चुके हैं पानी के बीच में, और आप देख सकते हो कितना सुंदर पानी बह रहा है यार। ये हमारे गाँव वाले भैया हैं यार। गाइस मनोज भैया वीडियो बना रहे हैं, और ये देखो पांचों मज़े ले रहे हैं बस। तो हमारे लीजिए ब्लॉक में बने, तो आपको सुंदर व्यू दिखाते हैं और आप भी बोलोगे भैया हम ज़रूर आएंगे यार। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, कितना मज़ा आ रहा है भाई। मुझे तो डर लग रहा है भाई, आराम से चलने दे इसको यार।
भाई, यानी मुझे डर लग रहा था, और क्योंकि नाव हाल रही थी उस टाइम, तो आप थोड़ा इन्जॉय आ रहा है। तो यार पानी के अंदर आने के बीच हमें ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हम। तो नरेंद्र भी ये सेल्फी लेने लग गए। तो भाई फ़ोन का ख्याल रखना, पानी में मत गिर देना, नहीं तो कई बहस पानी में वाला सिस्टम हो जाएगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. तो यार दोस्तों, हमने पूरा एंजॉय ले लिया आज का। तो अब हम जाएंगे राजा पार्क, रवाना हो रहे हैं राजा पार्क के लिए, क्योंकि हमारे साथ भैया है जो उनने बोला आप राजा पार्क चलो, जो अरबा के अंदर ही पड़ता है। तो हम उधर जाके आपको दूसरे ब्लॉक में उसकी वीडियो ज़रूर देंगे हम। तो हम उधर जाएंगे अब दोस्तों। तो हम जा रहे हैं ऊपर हमारी गाड़ी की ओर। तो देख सकते हैं हमारी गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है। तो हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी हुई थी और हम देखते हैं कितनी भीड़ लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर। तो क्या पता कितनी भीड़ में गाड़ी लगी हुई होगी, क्योंकि पीछे कितनी बड़ी लाइन लगी होगी तो वहाँ पर मालूम नहीं है। तो हम जाके देखते हैं कितनी लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी सारी गाड़ी आई हैं यार, कितने सारे टूरिस्ट हैं भाई, बाहर बाहर से गाड़ी है पूरी, और ज़्यादातर अपने दोस्त ज़िले के बंदे हैं इधर रहते हैं सब। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो हमें अभी अमित भाई मिला था जो हमने उनकी वीडियो नहीं ली। तो पहली बात तो दोस्तों, हाँ तो हम देख सकते हो गाइस। तो अभी यार एक गाड़ी वाले ने अभी झगड़ा कर लिया भाई से, क्योंकि लड़की को उसने टक्कर मार दी है। तो यार गाइस अपन और क्या मतलब, अपन सीधा चलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके गए हमारी गाड़ी के पास। तो हम गाड़ी भीड़ में, तो गाइस हमारी गाड़ी को अब बाहर निकालेंगे। तो हम हमारे ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो हमारे को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हमने फर्स्ट में इस वॉइस की थी। यार दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आपके भाई को सपोर्ट करना और लाइक कर, और बेल आइकन जो भी है वो सब दबा देना यार दोस्तों। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।